हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो आज का जो हमारा वीडियो है रूम हीटर पे, तो आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से रूम हीटर बनाना सिखाऊंगा और बहुत ही सेफ्टिक और बहुत ही सुविधाजनक ये रूम हीटर आपके लिए रहेगा। तो चलिए, आज जो मैं रूम हीटर बनाने के लिए बता रहा हूँ, ये हम थिएटर का डब्बा इजीली आप स्क्रैप से कहीं से भी आप जुगाड़ कर लें, या इस टाइप का डब्बा प्लाईवुड से बना लें। तो चलिए, इस डब्बा में ही इस रूम हीटर का कोयल का उपयोग करेंगे। ये कोयल आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में ये रूम हीटर आया हुआ बहुत दिन हो चुका है, तो इस रूम हीटर का कोयल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, ये रूम हीटर का कोयल मार्केट में इजीली आप परचेज कर लें। और यहाँ पर साइकिल का जो स्पोक होता है, उस स्पोक को इस तरीके से मैंने मोड़ के प्रयोग किया हूँ, तो फिलहाल मैं पहले ही बना के रख लिया ताकि वीडियो में टाइम ना लगे। तो चलिए, इसको इस होम थिएटर में लगा के आपको दिखाते हैं। तो चलिए, होम थिएटर हमारा है, होम थिएटर वाला प्लाई, तो आप इस तरह का शेप बना लें जिसमें आपको आसानी लगाने में हो, और ये ट्रिक से ही आप पूरा तरीके से इस रूम हीटर को बना पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो है इस साइकिल वाला स्पोक है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाएंगे और आगे में हम इस कोयल को एडजस्ट कर पाएंगे। तो चलिए, इसको मोड़ लेते हैं, और फिलहाल कुछ इस तरीके से मोड़ के और यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, और ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए, आगे वीडियो में देखते हैं इसको एडजस्ट करने के बाद, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे लगा के देख लेते हैं किस तरह से लग रहा है जो एडजस्ट किए मैंने, और इसको इजीली कोयल को इस तरह से बैठा लेंगे। बाहर में इसका करंट आपको नहीं जाएगा, बट आप ज़्यादा सेफ्टिक के लिए आप वहाँ पे कुछ अलग से सेफ्टिक आप लगा दें। फिलहाल मैंने नहीं लगाया हूँ, और आगे जाली एंड पीछे जाली पंखा को लगा के लगा सकते हैं। तो चलिए, आगे वीडियो में देखते हैं किस तरीके से इसको लगाएंगे, और ये हमारा सेकंड लाइन को भी लगा लेते हैं, और सेकंड भी कुछ इस तरीके से लगा लेंगे, और इजीली आप इसको लगा पाएंगे। तो चलिए, इस तरह से रूम हीटर कोयल दोनों तरफ से इजीली एडजस्ट कर लेंगे, और आगे में बच्चा ना कोई हाथ ना डाल जाए अंदर, नहीं तो करंट लग सकता है, तो इसलिए आगे में जाली लगा देंगे। फिलहाल मैंने जाली उपयोग नहीं किया हूँ, जाली मेरे पास नहीं था। तो इस तरह का शेप बनाएंगे तो इजीली आप सारा चीज़ आपका लग जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे इंडक्शन का फ़ैन आपके पास मिल जाएगा, इस इंडक्शन का फ़ैन को यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए, ये हमारा एडजस्ट हो चुका है, और ये हमारा कोयल भी एडजस्ट हो गया है, और मैं यहाँ पे इसका वायर जो कोयल का कनेक्शन है उस कनेक्शन को पहले कर लेते हैं, उसके बाद इंडक्शन फ़ैन को इसमें लगा के आपको दिखाऊंगा, जो कि इंडक्शन फ़ैन आपका 5 वोल्ट से चलेगा। तो चलिए, इसका कनेक्शन पहले यहाँ पे कर लेते हैं। अब हमारा जो है कनेक्शन हो चुका है, इसको पीछे तरफ से इस वायर को निकाल लेंगे, आगे तरफ से नहीं पीछे तरफ से, और इस वायर में 220 वोल्ट देना है, दो पॉइंट में, जो कि लास्ट पॉइंट में कोयल का जुड़िएगा, बीच पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, नहीं तो कोयल बीच में जो करंट है कोयल आपका जल सकता है, चाहे कोयल ख़राब हो सकता है। तो ऐसा मैंने करके देखा तो कोयल हमारा ख़राब हो रहा था, इसलिए लास्ट पॉइंट में हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब चलिए, यहाँ पे इंडक्शन फ़ैन को इजीली यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, इसको अंदर करके आप एडजस्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको बाहर में ही लगा के आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं बाद में अंदर करके एडजस्ट किया तो अंदर भी आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो चलिए, इसको एडजस्ट कर लेते हैं।
अब जो हमारा ये फैन हमारा एडजस्ट हो चुका है और ये फैन हमारा चलने के लिए रेडी है। तो फिलहाल आप थोड़ा सा अंदर करके फैन को लगा लेंगे तो जाली भी लग जाएगा दोनों साइड से और इजीली अब इस रूम हीटर को यूज कर पाएंगे। अर्थात ये रूम हीटर आपका 80 रुपया और इधर 100 रुपया मात्र 200 रुपया के अंदर में 200 से लगभग मान के चलिए 300 रुपया अधिकतम खर्चा 300 रुपया के अंदर में इस रूम हीटर को आप बना पाएंगे। उससे भी कम ही में आपका ये रूम हीटर तैयार हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपया। एक चार्जर जो लगेगा 5 वोल्ट का मोबाइल चार्जर यूज करेंगे। एडेक्टर मैंने फिलहाल ये दिखा रहा हूँ, फिलहाल ये एडेक्टर नहीं लगेगा, इसमें 5 वोल्ट वाला एडेक्टर आपको यूज करना है। अर्थात 60 रुपये वाला मोबाइल चार्जर आता है उसको लगाएंगे। पंखा का स्पीड कम रखना है, यहाँ पर पंखा जो है 18 वोल्ट का 18 वोल्ट पंखा में देते हैं तो रूम का स्पीड जो है पंखा का ज़्यादा होगा तो हवा ज़्यादा आएगा, उसमें आपका जो हीट है वो बहुत ही कम आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर 5 वोल्ट देंगे इस फैन को और इजीली धीरे धीरे फैन घूमेगा और हमारा जो है रूम हीट होगा और गर्म गर्म हवा में अनुभव होगा। तो चलिए इसको फिलहाल चला के दिखा देता हूँ। और ये रूम हीटर मात्र 200 रुपये के अंदर में आप तैयार कर लेंगे। इधर कोयल का दाम 100 रुपये पकड़िए और पंखा का भी 100 रुपया 200 रुपया और चार्जर का 50-60 रुपये। टोटल अधिकतम से अधिकतम खर्चा जो आ रहा 250 रुपया और बॉडी का जो आप एक्स्ट्रा खर्चा आप लगा सकते हैं। तो ये रूम हीटर कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो ऐसे ही रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहता है और जैसे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए तब तक के लिए बाय, फिर से ऐसे रिलेटेड वीडियो एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। और एंड हमारे चैनल पे रिपेयरिंग एंड प्रोजेक्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा ऐसे ही रिलेटेड।